आज फिर से मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा आठवीं का पाठ दो लाख की चूड़ियां जो कि एक कहानी है के बारे में आज अध्ययन करेंगे आप। इसके लेखक जो हैं वह कामतानाथ जी हैं। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लेखक श्री कामतानाथ जी के बारे में जान लेते हैं। श्री कामतानाथ जी का जन्म जो है 22 सितंबर 1934 में लखनऊ शहर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पर हुआ था। इनको जो है अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। साहित्य में हिंदी साहित्य जगत में इनका अत्यधिक योगदान है। यह जो है इनकी मृत्यु जो है 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही हो गई, यानी जहां पर इनके जन्म हुआ था यहां पर इनका वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई। यानी इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, तीसरी सांस, लाख की चूड़ियां इत्यादि। तो आज हम अध्ययन करेंगे इनकी ही कहानी लाख की चूड़ियां। तो लाख की जो चूड़ियां है यानी लाख क्या होता है, लाख का अर्थ होता है लाह, लाह यानी लाख जो हमें प्राप्त होता है या एक तरह से जो है ऐसा पदार्थ है जो कि कीड़े के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे रेशम कीड़े से प्राप्त होता है वैसे ही जो है लाख भी कीड़े से प्राप्त होता है। इस लाख के जो है अनेक वस्तुएं बनती है, जैसे लाख की चूड़ी है। लाख की चूड़ी के सिवा और भी अनेक सारी वस्तुएं बनती हैं। तो इस तरह से लाख की चूड़ियां कहानी पढ़ने से पहले थोड़ा इस लाख की चूड़ियां नामक कहानी में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। जैसे लाख, लाख क्या होता है, लाख का अर्थ होता है लाह। चाव, चाव का अर्थ होता है खुशी, लगाव, रुचि। गोलियां, गोलियां यानी कंचे। मोह, मोह का अर्थ होगा आकर्षित। सहन, सहन यानी आंगन, जो घर के सामने जो खाली जगह होती है उसे हम सहन कहते हैं। दहकती, दहकती यानी जलती हुई। चौखट, लकड़ी का एक चौकोर टुकड़ा का भाग जो होता है उसे हम चौखट कहते हैं। सलाख, धातु की एक छड़ होती है जिसे हम सलाख कहते हैं। बेलन नुमा मुंगेरियां, बेलन नुमा मुंगेरियां यानी गोल लकड़ी, गोल आकृति का बनाया हुआ जो लकड़ी का भाग होता है उसे हम मुंगेरियां कहते हैं। मछिए, चौकोर खाट, खाट का ही स्वरूप होता है लेकिन वह जो है वह छोटा होता है। भट्टी, भट्टी यानी अंगीठी, यानी जिसमें हम आग जलाते हैं, आग जो धवती है यानी भट्टी, यानी जिसमें हम आग जलाते हैं। नव वधु, नई बहू। मनिहार, मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वाला। पैतृक, पैतृक अर्थात पिता संबंधी। खपत, खपत यानी बिक्री। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को हम जो है लेते हैं तो उसके बदले में दूसरी वस्तु को देना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। कसर, कसर अर्थात कमी। लोहे लगना, लोहे लगना यानी मुश्किल होना। घरवाली, घरवाली यानी पत्नी। अंदर ही अंदर कूढ़, मन ही मन दुखी होना। अंदर ही अंदर कूढ़ अर्थात मन ही मन कूढ़ना, मन ही मन गुस्सा होना यानी बाहर जाहिर न करना। मरद, मरद यानी पति। अतीत के चित्र, अतीत के चित्र अर्थात पुरानी यादें। व्यथा, व्यथा यानी दुख, कष्ट। हाथ कटना, बेरोजगार करना। तो इस तरह से इस कहानी में जो कठिन शब्द थे उनका अर्थ आप भली भांति तरह से जान लिए। तो अब चलिए जो कहानी है लाख की चूड़ियां इसके बारे में जानते हैं। बदलू जो था, बदलू एक इस कहानी में जो लाख की चूड़ियां बनाता था उसका नाम है। और लेखक जो है एक गांव में जो लेखक के मामा का घर था वहां पर एक बदलू नाम का मनिहार रहता था। मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला रहता था। जो बदलू जो था वह बहुत ही अच्छी अच्छी चूड़ियां बनाता था। तो जब लेखक की छुट्टियां होती थी तो वह अपने मामा के घर चला जाता था। और मामा के घर जाता था तो वहां पर जाने के बाद जहां बदलू अपनी चूड़ियां बनाता था वहीं पे जाता था, उसके साथ बैठता था। और बदलू जो था, बदलू मामा जो है उसका जो है
कहना तो ठीक है उसको बदलू मामा, लेकिन लेखक जो है बदलू काका कहता था, क्योंकि सभी बच्चे जो वहां के बदलू काका कहते थे, तो वही सुनकर के जो है लेखक भी जो है वह उसे बदलू काका बदलू मामा न कह करके बदलू काका ही कहता था। तो जब लेखक अपने मामा के गांव जाता था तो वहां पर छुट्टियों में, तो वह अपना अधिक समय जो है बदलू काका के साथ ही बिताता था, क्योंकि वह चूड़िया बनाता था। तो वहीं पर लेखक जो है बैठ करके वह चूड़िया किस तरह से बनाता है वह देखता रहता था, और जो बदलू काका थे वह लेखक को कांच की गोलियां बनाकर, सुंदर सुंदर कांच की गोलियां जिसे हम कंचे कहते हैं, तो कांच जो लाख की गोलियां, कांच की नहीं सॉरी लाख की गोलियां बना करके जो है देता रहता था। तो प्रतिदिन वह जाता था, जब वह छुट्टियों में जाता था और वहां से वह एक दो प्रतिदिन उसको जो है लाख की गोलियां बनाकर दे देता था। जो बदलू काका थे वह पहले लाख को जो है जहां पर एक उनके घर के सामने जो सहन था वहां एक नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के नीचे वह मचिए पे बैठ जाते थे। मचिया पर बैठ करके बगल में जो है उनके वह भट्टी रहती थी और एक लकड़ी का चौकोर भाग रहता था जिससे जो है वह लाख की चूड़ियां बनाने में उसका प्रयोग करते थे। तो इस तरह से उस नीम के पेड़ के नीचे बदलू काका बैठ करके उस भट्टी, और अपने पास ही वह हुक्का भी रखते थे, तो बनाते बनाते जब थक जाते थे तो कभी बीच में हुक्का भी पीते रहते थे। तो बदलू काका जो थे लाख को पिघलाते थे, पिघला करके उसको जो है सांचे में ढालते थे, ढाल करके फिर वो जो गोल आकृति की जो एक मुंगरी होती थी जो लकड़ी की, उसमें उसको ढालते थे। ढालने के बाद वह जब चूड़ी का आकार देते थे फिर उसको रगड़ते थे, रगड़ करके जो है फिर उसको रंग चढ़ाते थे उस पे। तो इस तरह से जो है वह जो है जब तक एक हाथ की चूड़ियां नहीं बना लेते थे तब तक करते थे, फिर जब एक हाथ की चूड़ियां बन जाती थी तो उस पर जो है उसको क्या करते थे, रंग चढ़ाते थे। तो वह बदलू काका बहुत ही मन से यह काम करते थे, और बदलू काका जो का जो यह कार्य था यह जो पैतृक था, पैतृक अर्थात उनसे पिता के संबंध, यानी उनके पिता भी यही कार्य करते थे, यानी पुस्तैनी कार्य था। तो वह बहुत ही मनिहार थे वह तो चूड़ी बनाने वाले, तो बहुत ही रुचि से यह काम करते थे। और बदलू काका की बनाई चूड़ियां जो है लोग बहुत ही गांव में रुचि से लगाव से पहनते थे, लोग जो है उसके प्रति जो अपना अत्यधिक लगाव रखते थे। लाख की चूड़ियां यदि गांव में कोई भी कांच की चूड़ियां नहीं पहनता था, यदि कांच की चूड़ियां जो है केवल शहर में ही प्रचलन था, गांव में नहीं था। जो लाख की चूड़ियां बदलू काका बनाते थे तो लोग उसे जो है लेके जाते थे, लेकिन बदलू काका की जो चूड़ियां बेचते थे वह किसी को पैसे से नहीं देते थे, वह जो है अपनी चूड़ियां देते थे और उसके बदले में जो है दूसरी वस्तु लेते थे जिसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं, यानी एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु से लेना, यानी बदलू काका चूड़ी देते थे उसके बदले में बदलू काका के लोग जो है दूसरी वस्तु देते थे। इस तरह से बदलू काका जो है अपनी चूड़ियों का व्यापार करते थे। बदलू काका इस तरह से तो बहुत कड़क स्वभाव के नहीं थे, लेकिन जब किसी के घर पे शादी पड़ती थी तो वह बदलू काका एकदम अकड़ जाते थे, जब तक वह जितना वह मांगते थे जब तक उनको उतना मिलता नहीं था तब तक चूड़ियां नहीं देते थे। उनको जैसे इसमें लोहे लग जाते थे मनाने में, यदि एक बार वह नाराज हो जाते थे तो लोग जो है उनको मनाने में परेशान हो जाते थे। और उसके बदले में जो लाख की चूड़ियां बदलू काका किसी की शादी या शुभ अवसर पर देते थे तो उसके बदले में जो है बदलू काका को अनाज भी मिलता था और पैसे भी, अनाज भी मिलता था, उनके घरवाली के लिए भी साड़ी कपड़ा अनेक तरह से मतलब हर वस्तुएं उनको मिलती थी। और क्योंकि वह सोचते कि यह शुभ अवसर पर जो है यही तो हमारे जो है कमाने का समय है, बाकी तो वैसे जो है चूड़िया जो जितने में भी जो लोग जितना दे देते थे लोग उतना वह खुश होकर के ले लेते थे, लेकिन अकड़ करके वह शादी विवाह यानी शुभ अवसर पर ही लेते थे, क्योंकि भाई उनका ये हक बनता था इस समय जो है वह इसीलिए ले लेते थे। और जो लेखक था एक बार जो है बैठता था जब बदलू काका के साथ में तो अनेक तरह की अपनी बातें करता था, पढ़ाई के बारे में ऐसे वैसे यानी अनेक तरह से करते थे। तो उसी तरह से एक बार वह कहा कि बदलू काका गांव में तो चूड़ियां लाख की लोग पहनते हैं लेकिन शहरों में क्यों लाख की चूड़ियां नहीं पहनते, वहां तो कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो बदलू काका ने कहे, बदलू काका जो है लेखक को लला कह के पुकारते थे प्रेम से, तो बोले लला आप नहीं समझते हो वहां पर जो है लोगों की कलाइयां कमजोर हैं और वहां पर जो है इसीलिए जो है लाख की चूड़ियां नहीं पहनते हैं, उन्हें जो है
दिक्कत होती है। और शहर की तो बात ही कुछ और है, लोग जो है वहां पे कहां शर्म नाम की चीज, वहां पर तो लोग अपने जो है पत्नी को लेकर के शहर में हाथ पकड़ के घूमते रहते हैं, तो वहां की कुछ बात ही अलग है। तो वहां की रुचि जो है, वहां जो है कांच की चूड़ियां, इसलिए वहां पर कांच की चूड़ियां पहनते हैं। इस तरह से बदलू काका के यहाँ जो लेखक बैठता था, तो बदलू काका उन्हें कांच की गोलियां तो बना के देते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है बदलू काका लेखक को गाय उनके यहाँ लगती थी, गाय के दूध जो है मलाई जो निकलती थी वह भी जो है लेखक को बड़े चाव से देते थे, और लेखक बहुत ही रुचि लगा करके जो है खाता था। और उनके यहाँ जो है आम की बागान थी, आम की भी जो है वह पका करके जो है लेखक को देते थे। इस तरह से लेखक बहुत ही जब भी छुट्टियां पड़ती थी तो इसीलिए जो है अपने मामा के गांव चला जाता था, और वहां जाकर के लेखक बदलू काका के पास जो है बैठता था, अपना अधिक समय जो है बदलू काका के यहाँ ही निकालता था। एक बार जो है उसके पिता यानी जो लेखक थे उनके पिता का जो कि पिता की जो है ट्रांसफर हो गया, बदल गए हुआ तो दूसरी जगह चले गए, तो बीच में कई वर्षों तक लेखक जो है अपने मामा के गांव यानी बदलू काका के यहाँ नहीं आया, तो बीच में बहुत ही अंतराल पड़ गया। तो कुछ दिनों के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव आया तो देखा कि स्थिति बदल चुकी थी, पहले जैसे स्थिति नहीं थी क्योंकि कई साल हो गए थे। तो उस समय फिर आया तो देखा बदलू काका की जो है अवस्था भी ढल गई थी, नसें उनकी उभर गई थी, और बदलू काका जो थे वह नीम के नीचे वो खाट बिछा करके उसी पे सोए हुए थे। तो और जब लेखक सामने आया तो बदलू काका नहीं पहचाने क्योंकि काफी अंतराल समय काफी समय हो गया था। तो वह जो पूछे फिर बताए कि अरे जो आप कांच की चूड़ कांच की गोलियां बना कर देते थे मैं जो है वही हूँ, तो पहचाने बात हुई। तो फिर लेखक ने जो है बदलू काका से पूछा कि आप क्यों इतने उदास हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, खांसियां कुछ आ रही है। तो लेखक को लगा कि जो है इनको दमा हो गई है, तो लेखक बदलू काका लेखक के चेहरे देख करके समझ गए कि, तो वह बोले कि नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, यह तो जो है सीजनी खांसी है, कुछ दिन में जो है यह समाप्त हो जाएगी। इस तरह से फिर जो है लेखक से अपने घर पे जो है जब वहां पर उनकी जो बहन थी वह एक बार कांच की ही चूड़ियां पहनी थी, तो आंगन में जो है वह गिर गई और वह कांच की चूड़ियां जो है वह टूट गई। जब टूट गई टूट करके उस हाथ कलाइयों में धंस गई, तो बदलू काका तो लेखक को याद पड़ा कांच की चूड़ियां और उसके लाख की चूड़िया के बारे में, तो आकर के फिर वह बदलू काका क्या फिर आया, देखा पूरी स्थिति पूछा और जाना। तो बदलू काका जो है बताए कि बेटा आज तो पूरे गांव में जो है अब कांच की चूड़ियां की प्रचलन हो गई है, लोगों के जो है कलाइयां नाजुक हैं, कौन लाख की चूड़ियां पहनेगा। तो इस तरह से दुखी मन से जब कहे तो लेखक को बड़ा ही दुख हुआ, वह कहा कि क्या नाम है जो है अब गांव में भी यानी इसका प्रचलन हो गया। इस कारण से जो है बदलू काका की जो है दुखी था, उसका रोजगार छिन गया था, क्योंकि देखिए मशीनीकरण हो जाने के कारण जो है व्यक्ति की आवश्यकता कम पड़ती, जब मशीनीकरण के द्वारा जो कांच की चूड़ियां बनी तो लोगों की जो रुचि है कांच की चूड़ियों की तरफ अधिक हो गया। इस तरह से बदलू काका का जो रोजगार था वह धीरे धीरे बंद हो गया, वह लाचार हो गया और वह धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब होने लगी। और फिर दोबारा जब आया तो उसको फिर वही याद आई यानी पहले जैसे वह मलाइयां खाता था आम खाता था, तो लेखक ने जो है लेखक को फिर से अपने वह बदलू काका जो है बच्ची को बोले कि नहीं जाओ देखो आम हो तो लेकर के जो है लाओ, तो फिर आम दिए और खाए वह। इस तरह से आम खाए खा करके फिर बदलू काका की जो लड़की थी वह लेकर के जो आई तो उसके हाथों में खूबसूरत चूड़ियां लाल कलर की थी। तो लेखक ने पूछा कि अभी ये चूड़ियां हैं, तो बदलू काका ने जवाब दिए कि बेटा यह जो जमींदार थे उनके लिए शादी के लिए उनके जोड़े उनके लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने पैसा उचित नहीं दे रहा था, मूल्य उचित नहीं दे रहे थे, इसलिए जो है मैंने उनको मना कर दिया, यही अंतिम जोड़ा था जो कि अपनी बेटी को दे दिया हूं। तो लेखक कहा यह तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस तरह से जो है इस कहानी में का अंत हुआ, और लेखक जो है अपनी स्थिति से यानी
जो है बदलू काका की स्थिति से पूरी तरह से परिचित हुआ, बहुत ही लगाव रखता था, और जो बदलू काका थे अपने परिस्थिति से लगातार लड़ते रहे, हार कभी नहीं माने। तो इस तरह से मशीनीकरण के द्वारा जो है लोगों का रोजगार छिन जाता है, फिर भी उन्हें हार नहीं मानना चाहिए, अपने परिस्थिति से लड़ना चाहिए, एक जो है तभी उनका जो है आगे वह बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।